आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दरअसल इरफान ने इस अखबार को लेटर लिखा है। इस लेटर के मुताबिक इरफान का कहना है कि मेरे बारे में जानकर सभी मेरे लिए दुआ कर रहे हैं और उन सब की दुआएं एक ताकत बनकर मेरे स्पाइनल कॉर्ड के जरिए सिर तक जा रही है। मैं अब जिंदगी को करीब से महसूस कर रहा हूं। इरफान ने इस लेटर में लिखा, कुछ महीनों पहले ही मुझे पता चला कि मुझे न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर नाम की बीमारी है। ये शब्द मेरे लिए नया था और मैंने इसके बारे में पहली बार सुना था। जब मैंने इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है। अभी तक मैं तेज रफ्तार वाली ट्रेन में सफर कर रहा था। मेरे कुछ सपने थे, कुछ प्लान थे, कुछ इच्छाएं थीं, कोई लक्ष्य था। तभी किसी ने मुझे हिलाकर जगा दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो टीसी था। उसने कहा, आप नीचे उतर जाइए, आपका स्टेशन आ गया है। मैं कंफ्यूज था। मैंने कहा, नहीं अभी मेरा स्टेशन नहीं आया है। तो उसने कहा, नहीं आपको अगले किसी भी स्टॉप पर उतरना ही होगा।